नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं कुशाल ठाकुर और आप देख रहे हैं इन फोकस। इन फोकस में आज के हमारे खास मेहमान हैं श्रुति तिवारी। श्रुति तिवारी ने करीब 21 घंटे में 200 वारली पेंटिंग्स बनाकर अपना नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया में दर्ज करवाया। आइए हम सीधे चलते हैं और श्रुति तिवारी से उनके उपलब्धियों के बारे में जानते हैं। नमस्कार श्रुति जी, हमारी टीम की ओर से आपको ढेर सारी बधाइयाँ। धन्यवाद, थैंक यू। श्रुति, दर्शकों के जानकारी के लिए आप अपने बारे में कुछ बताइए। जी, मैं बेसिकली आगरा से हूँ और मैं वहीं से मेरी पढ़ाई हुई है। दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मेरे कॉलेज का नाम है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है वो, और बीए, एमए, एमफिल, बीएड, एनटीटी मैंने वहीं से किया है। श्रुति जी, इस वारली पेंटिंग्स के मार्फत से आपने अपने कला में क्या दर्शाने की कोशिश की, क्या संदेश, क्या कंसेप्ट देखने को मिलता है आपके इस कलाकृति में? जी, ये महाराष्ट्र की ट्रेडिशनल पेंटिंग है वारली पेंटिंग, जिस को लेकर मैंने ये अचीव किया है, जिसमें मैंने कई सारी शेडिंग पेंटिंग किया है, टेक्सचर पेंटिंग किया है, जो भी आर्ट वर्क किया है, जो कॉन्सेप्ट वो लिया है मैंने, वो कोरोना वॉरियर्स को लेकर लिया किया है। और उसमें कई सारी आपको जब भी आप देखेंगे मेरी पेंटिंग्स, तो उसमें आपको कलरफुल दिखेंगी और अलग अलग तरीके के जो कॉन्सेप्ट हैं उसको लेकर किया है। जैसे एक जैसे लेडीज़ हैं जो कि पानी भरने जा रही है, जो बच्चे हैं जैसे कि गार्डन में खेल रहे हैं, जैसे पुराने ज़माने में कैसे गेहूँ आटा कैसे पीसते थे, तो उस तरीके से वो आटा पीस रहे हैं, बच्चे को निलाते हुए, ढोल ताशे के साथ खुशी मनाते हुए, तो ये सब कॉन्सेप्ट को लेकर ही मैंने ये वारली पेंटिंग किया है। श्रुति जी, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया के टाइटल से आपको नवाजा गया, इसकी प्रक्रिया क्या थी, कितने समय चली ये प्रतियोगिता और इसमें आपने कितने पेंटिंग्स बनाए? जी, ये जो पेंटिंग्स हैं ये मैंने 21 आवर्स में 212 पेंटिंग्स बनाए हैं, जिसमें मैंने ब्रेक लिया है 2 मिनट्स 48 सेकंड्स का। वारली पेंटिंग्स के मार्फत से आपने अपने कला में क्या दर्शाने की कोशिश की, क्या संदेश, क्या कंसेप्ट देखने को मिलता है आपके इस कलाकृति में? जी, एक्चुअली मैंने ऐसा कुछ विजन नहीं रखा था, बस आर्ट जो है वो मुझे बहुत पसंद है, शुरुआत से ही मैं अपने इस आर्ट वर्क को करती हुई आ रही हूँ। तो बस जब मैं महाराष्ट्र में आई तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक आर्ट वर्क में ऐसा कुछ किया जाए जिससे जो वारली पेंटिंग है, जो मुझे लगता है कि लुप्त हो गई है, वो लोगों की नज़र में आए, लोगों को पता चले कि नहीं, आज भी हमारे देश में वारली पेंटिंग जैसी आर्ट वर्क है। तो उसको लेकर ही मेरा एक विजन था कि मुझे उसमें ही कुछ करना है, इसीलिए मैंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो अचीव किया। चलिए, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया का टाइटल तो आपने प्राप्त कर लिया, अब आगे का आपका क्या लक्ष्य है? जी, मैं जैसा मैंने अभी ये अचीव किया है, इसके बाद एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड है, गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड है, और जो कि सबसे बड़ा रिकॉर्ड है वो है पद्मश्री अवार्ड, जिसको मैं अचीव करना चाहती हूँ और जिसकी शुरुआत मैंने कर दी है। इस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए परिवार की ओर से आपको कितना प्रोत्साहन मिला? जी, मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और ये जो अवार्ड मैंने जीता है उसमें भी उन लोगों ने मुझे काफ़ी मदद की और आगे के लिए भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा आत्मनिर्भर भारत का जो कंसेप्ट लाया गया है, इस कंसेप्ट को आप किस तरह से स्वरूप दे रही हैं? आत्मनिर्भर भारत गिफ्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने क्रिएट किया है, एक नया कॉन्सेप्ट में लेकर आई हूँ, जिसमें कि हम अगर किसी के घर जाते हैं या किसी को गिफ्ट देते हैं तो क्या देते हैं, बुके देते हैं, शॉल देते हैं, लेकिन मैंने ये कॉन्सेप्ट किया है कि जो भी वेस्ट चीज़ें हैं, जैसे लकड़ा है, वो लकड़े को मैंने उस लकड़े को मैं लेकर आती हूँ और उसको कटवा के उसके ऊपर फिनिशिंग करती हूँ, और उसको मैंने आत्मनिर्भर भारत गिफ्टिंग कॉन्सेप्ट निकाला है, जिसमें कि उसको कलरफुल बना के लोगों को दिया जाए, जिससे कि वो बुके तो हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं, और वो जो गिफ्ट है वो एटलीस्ट आप अपनी टेबल पे रख सकते हैं, जिससे कि एक यादगार चीज़ रहे कि नहीं, वो हमारे घर आए थे तो उन्होंने हमें ये चीज़ दी, तो एटलीस्ट वो अपने घर पर रखेंगे, जो कि बहुत अच्छा भी लगता है देखने में। चलिए, जाते जाते श्रुति जी, अगर आप अपने दर्शकों को एज एन इंस्पिरेशन के तौर पर कुछ बताना चाहेंगी, कुछ कहना चाहेंगी, तो वो क्या होगा?
जी, मैं उनसे बस यही कहना चाहूँगी कि जो आपके अंदर जो कला है, अपने उस टैलेंट को पहचानिए और उसे आगे लेकर आइए, क्योंकि हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट ज़रूर होता है। किसी का डांस में होता है, किसी का मेहंदी में होता है, किसी का ड्राइंग में होता है, पेंटिंग में होता है। तो अपने उस हुनर को पहचानिए और उसे आगे लेकर आइए, जिससे कि आप अपने उस पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बस यही मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि अपनी कला जो आपके अंदर है उसको आगे लेकर आइए। चलिए श्रुति जी, आप हमारे कार्यक्रम में आई, अपना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। तो दोस्तों, आर्टिस्ट श्रुति से प्रेरणा लेकर आप भी ज़रूर अपना एक लक्ष्य, एक मुकाम बनाने की कोशिश कर सकते हैं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, देखते रहिए इन फोकस, और अगर आपको हमारा शो पसंद आया हो तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।